भारत में G20 का सफल आयोजन किया गया। साथ ही सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विदेशी मेहमानों के साथ भारत ने पूरी दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बनाई और वैश्विक स्तर पर भारत की बड़े मार्केट की मांग बढ़ गई है। G20 शिखर सम्मेलन में भारत को अपनी विविधता, संस्कृति, विरासत और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को शोकेस करने का मौका मिला, जिसके चलते भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन की गूंज पूरी दुनिया में है। तो वहीं ऐसे में दिल्ली G20 समिट की सफलता के बाद अन्य देशों के साथ साथ अब भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का रिएक्शन भी सामने आया है, जिसमें पाकिस्तानियों ने भारत की जमकर तारीफ की है। आप भी सुनिए G20 की सफलता पर पाकिस्तानियों का क्या कुछ कहना है। मैं समझता हूँ इंडिया ने बहुत ही आला स्टेप लिया है, ये वाला कि उनको ये होस्ट मिला है, बहुत ही अहम मौका था इंडियंस के लिए, सर फख्र से बुलंद हुए होंगे उनके, और हमारे लिए ये हजीमत है कि हमने सारा कुछ होने के बावजूद वही कुदरती वसाइल जो इंडिया के पास हैं वही हमारे पास हैं, सेम डेमोग्राफी है, लेकिन आज हमारे हालात देख लें, इंडिया के देख लें, इंडिया की जो तस्वीरें आई हैं पीएम मोदी की मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत के साथ, वो इंडिया का जो पॉजिटिव चेहरा है वो दुनिया में दिखाने में बहुत बावर हुए हैं। सदर गया, सऊदी अरब का शहजादा गया और इस तरह दूसरे सरबराह मुमलिकत आए, तो पहली दफ़ा बड़े अरसे बाद आते हैं, तो ये एक ऑनर होता है उस मुल्क के लिए, जिस मुल्क में पूरी दुनिया के जो 20 मुल्कों के जो टॉप 20 हैं वो लोग पहुंचते हैं और वो पहुंच के एक ऑनर तो होता है उसका। लेकिन देखिए, बहरहाल मैंने जिस तरह कहा कि मईशत के ऊपर फ़र्क तो आता है, जारी बात वो मैंने जैसा कि सौदे होते हैं तो उसका इंडिया को फ़ायदा तो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं उसको फ़ायदा होगा, इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा और इसका फ़ायदा है उसको। बता दें कि अमेरिका से लेकर फ्रांस तक दुनिया के तमाम बड़े देशों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली आकर इस सम्मेलन में हिस्सा लिया, जो कि पड़ोसी देश पाकिस्तान को कुछ रास नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के लोगों ने जमकर अपने देश की कमियां भी गिनवाई, तो वहीं कुछ ने कहा कि हमें भारत देश से अलग नहीं होना चाहिए था। कुछ लोगों का कहना है कि भारत आज विश्वगुरु बन चुका है, पाकिस्तान से 100 गुना आगे निकल चुका है, ऐसे में पाकिस्तान अब भारत की बराबरी नहीं कर पाएगा। इंडिया में सामने आए हैं इस हवाले से जो बहुत सारे बाहर से मौल, जैसे अभी शहजादा आए, सऊदी अरब का जो शहजादा है वो आए, बहुत सारे लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ भी, यहाँ जब वक्त पड़ेगा तो यहाँ भी आएंगे, जाहिर है वो वहाँ था प्रोग्राम तो उन्होंने तो वहाँ ही आना था। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जब इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जो माशी सतह पर हों, तो वो तो जाहिर है पूरी दुनिया में उनका चीज़ें जो है ना, लोग उसी अंदाज से देखते हैं कि ये आगे बढ़ रहे हैं लोग और उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी जो मौजूदा बहरान से हम गुजर रहे हैं, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। बदकिस्मती से यही हो रहा है, 73 ईयर्स से 75 ईयर्स बोल रहे हैं आप, पाकिस्तान की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर जो है हम शायद नाकाम रहे हैं। इसी वजह से आपके पड़ोसी ममालिक में एक G20 की कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहाँ पे जो है तरक्की पजीर ममालिक हैं शिरकत कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान को कान तक जूं तक जो है आवाम को पता नहीं है कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है। तो होना ये चाहिए था कि ये G20 की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होनी चाहिए थी, मगर ये इंडिया में हुई। उसकी भी यही वजूहत हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है पाकिस्तान में, तो हम बहुत पीछे चले गए हैं। बहरहाल इन सब बातों से तो आपको पता चल ही गया होगा कि भारत में हुए G20 को लेकर पाकिस्तान कैसे बौखलाया हुआ है। जिस तरह से भारत सरकार ने G20 को लेकर दिल्ली में तैयारियां की, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। गौरतलब है कि भारत सरकार ने G20 के आयोजन में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए भारत सरकार ने दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया। इस सजावट के लिए भारत सरकार ने करोड़ों डॉलर खर्च किए, इसलिए हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। तो वही पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक संकट के चलते लगातार बर्बाद हो रहा है, इसलिए वो भारत के G20 से नाखुश दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।